नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और लॉकडाउन के तहत बाहर तो जाया नहीं जा सकता, कोचिंग्स, स्कूल, सभी सोर्सेज जो अपने होते हैं तैयारी करने के वो बंद हैं, तो घर पे रह के तैयारी हम कर रहे हैं। और इसी बीच बहुत से सोशल साइट्स, जैसे नंबर वन पे तो यूट्यूब ही है, और यूट्यूब पे ही मैं बता देता हूँ, मैंने कुछ वीडियोज़ अभी मैं आया हूँ, थोड़ा फ्री होके रिलैक्स कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैंने कुछ वीडियो देखे, तो उसमें ऐसे मैंने रीड से रिलेटेड वीडियो देखे, तो बड़ी मैं ये सोचने मजबूर हुआ कि ऐसे वीडियो क्यों बनाते हैं लोग, कि भाई रीड का एग्ज़ाम नहीं होगा, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। मतलब कि जो ट्रैक अपना है ना, जो स्टूडेंट का एक ट्रैक है रीड के एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो उस ट्रैक से अलग ही लेके जा रहे हैं बच्चों को। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो क्या करेगा, ऐसे वीडियोस देख के तो डीमोटिवेट तो वैसे हो जाएगा। तो मैं उन्हीं दोस्तों से कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ करके ऐसे वीडियो मत बनाए। देखो थंबनेल पे तो ये लिखा कि रीट एग्ज़ाम की डेट आ गई है, इस दिन एग्ज़ाम होगा, जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें एक इसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग शो कर दी जाती है कि ये लो न्यूज़पेपर, उसमें लिखा कि एग्ज़ाम अब होगा। फिर उस वीडियो को लंबा खींचते और क्या बताएंगे कि भाई अपना अनुमान, हमारा अनुमान ये है वो है वो, ऐसे मतलब कुछ लेना देना नहीं उन्हें रीट के एग्ज़ाम से। और उनके उनके ये जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो को अपलोड करते हैं, उस प्लेटफॉर्म में तो एजुकेशन का भी वीडियो डाल रखा है, मतलब सभी तरह के वीडियो डाल रखे हैं, इसका मतलब उन्हें सभी तरीके का उनको नॉलेज है। तो ऐसी अच्छी बात है, नॉलेज है तो, लेकिन सही तरीके से अगर न्यूज़ दें तो अच्छी बात रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी यूट्यूबर से, प्लीज़ करके जो कंपटीशन एग्ज़ाम, क्योंकि एक बच्चा तैयारी करता है दोस्तों तो बहुत समय लगता है, वो अच्छे से तैयारी कर पाता है और डेडिकेशन के साथ वो तैयारी करता है, और कहीं ना कहीं आप उसे किसी तरीके से डीमोटिवेट करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। रीट के एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको दोस्तों सही बता देता हूँ कि रीट के एग्ज़ाम की हमने भी आपको प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट कर दी है, तो आप ज्वाइन हो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और स्टार्टिंग हो चुकी है क्लासेस सारी की सारी, और अनअकैडमी मैंने कोर्स करवाया था, जाके देख सकते हैं दोस्तों, जिसे लिंक दिया गया नीचे। तो रीट का एग्ज़ाम कब होगा? देखो पहले जो शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि हमें 2 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है ना, जिसके चलते काफ़ी बातें बनी थी, और बीच में कोरोना आ गया, तो देखो ये तो एक नेचुरल डिजीज़ है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, एक जिसके चलते एक्सटेंड हो गया है, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं हुआ है दोस्तों। ये 2 सितंबर, सॉरी 2 सितंबर नहीं, सितंबर के अंदर ही बोला गया है, और सटीक रूप से इस एग्ज़ाम को देखा जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। बार बार उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट में उनसे जुड़ा हुआ हूँ, आप भी जाके देख लेना, और बहुत सी न्यूज़ चैनल के ऊपर भी, और लगभग जगह जगह ये खुद ये लाइव करके, फेसबुक पे लाइव करके ये बार बार ये बता रहे हैं दोस्तों कि रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखो जो बंदा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा तो वो बंदा खुद बोल रहा है कि भी एग्ज़ाम करवाएंगे, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम तैयारी करना, है ना? उन्होंने ये बोल दिया, मेरे पास तो कुछ ऐसे भी कमेंट है कि सर उन्होंने बोला कि 3 महीने एग्ज़ाम कर देंगे, तो क्या उन 3 महीनों के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा? पहले अगर आप तैयारी करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो गलत धारणाएं आपने जो पाल रखी हैं, और ये दूसरों की जो वीडियोज़ देख के आप ये भ्रमित हो रहे हो, तो ये मना करें आप प्लीज़ करके। मैं आपको बताऊँ, रीट का एग्ज़ाम होना तय है दोस्तों, सितंबर में नहीं होगा तो अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा, इसी साल होगा, नो डाउट। रीट से पहले आपको पता है कि जो लेवल फर्स्ट और लेवल टू दोनों के लिए जो रीट का एग्ज़ाम होना है, जिसे हम पात्रता परीक्षा कहते हैं, जो NCERT की गाइडलाइन है, सिलेबस सेम रहेगा, उन्होंने बता दिया, तो उसकी तैयारी करें पहले, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो करें दोस्तों। सेकंड पेपर की बात है, मन में चल रही है सिलेबस क्या होगा, कितना वेटेज रहेगा, अरे वो बाद का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज होगा? सिलेबस कुछ नहीं चेंज होगा दोस्तों, सिर्फ एक राजस्थान का GK नहीं है रीट में, वो एड और कर देंगे, तो उसमें क्या बड़ी बात है? पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की दे रहे हो, हाई कोर्ट की दे रहे हो, सभी में राजस्थान GK हो जाता है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या वो अपने मुँह से बोलेंगे आके कि वो GK हमने जोड़ दिया, तब आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे, भी सिलेबस आ गया है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ अगर आपको सिलेक्शन लेना है, वरना फिर वही बात सुनते रहो बातें और विचार विमर्श करते रहो, कब एग्ज़ाम डेट आएगी, कब सिलेबस आएगा,
कितना वेटेज रहेगा, आज उसने ये कह दिया, आज उसने ये कह दिया, तैयारी हमें करनी नहीं है। अगर श्योर सिलेक्शन करना है दोस्तों तो आपको तैयारी पहले से करनी होगी। और लॉकडाउन एक अच्छा समय है इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक अच्छी प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। दोस्तों रीट का एग्ज़ाम कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। इसके अंदर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी भर्ती बार बार नहीं आती दोस्तों, 31,000 पोस्टें हैं, ये बार बार देखने को नहीं मिलेंगी। हर बार आपके लिए पिटारा नहीं खोला जाएगा, जैसे भर्तियाँ होंगी वैसे वैसे कम होती जाती है पोस्टें दोस्तों। आप कहोगे सर और आ जाएंगे, तो क्यों ना इसी में सिलेक्शन ले ले, और का हम क्यों वेट करें, क्या इतना समय है हमारे पास। तो प्लीज़ करके मैं यही कहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स से और मेरे व्यूवर्स से जो मुझे देख रहे हैं कि आप भ्रमित ना हो, तैयारी करें, चाहे आप रीट की कर रहे हैं, चाहे आप पटवार की कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की कर रहे हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल तो लॉकडाउन के अंदर तो इतने चैनल ओपन हो गए, इतने चैनल ओपन हुए, मुझे ये नहीं पता कि वो इतने ज्ञानी पहले कहाँ थे, मतलब इतना ज्ञान उनके पास था तो इतने दिन कहाँ थे, इन दो महीनों के पहले उन्होंने क्यों ज्ञान नहीं दिया, अब क्यों ज्ञान बांट रहे हैं इतना, मुझे ये नहीं पता इस बात का कि एकदम से ज्ञान आ गया। कुछ नहीं दोस्तों, जियो सबके पास है, नेट का यूज़ करते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी से। दिमाग में एक एक यूट्यूब चैनल बना लिया, व्यू आ गए, 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, फलाना फलाना करके, और ऐसे पेमेंट आने स्टार्ट हो गए, लाखों कमाएंगे। कुछ भी नहीं कमाया जाता लाखों, मेहनत करोगे अच्छे से तभी कमा पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर यूट्यूब पे से ही सारा कुछ हो जाता तो सारे लोग काम धाम छोड़ के, बड़ी कंपनी है सारी यूट्यूब पे बैठ जाती आराम से आके, कोई ऑफलाइन काम नहीं करता अगर सारा कुछ इतना आसान होता तो दोस्तों। तो मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है मैंने जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, भ्रमित ना हो। कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है एग्ज़ाम डेट को लेकर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं बार बार वीडियो नहीं बनाता, आपने देखा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखना, मैं बार बार कभी वीडियोज़ नहीं बनाता किसी टॉपिक को लेकर, सिर्फ तभी बनाऊंगा जब मुझे एक तो ऑफिशियल न्यूज़ होगी और ये लगेगा कि इस समय वीडियो बनाना ज़रूरी है व्यूअर्स के लिए। तो हम उससे जुड़े रहें लगातार, इसी तरह हमसे सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी लगातार करते रहें रीट की। सिलेक्शन श्योर, हम आपको वादा कर चुके हैं आपके, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, हमसे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और यही कहूँगा फिर मैं कि आप डिमोटिव ना हो, अपने आप को मोटिव रखें, तैयारी करें। चलिए, थैंक यू।